बड़े, मैंने ऐसे ऐसे देखे कि आश्रमों में भी इतने बड़े फोटो नहीं उनके घरों में। क्या चीज़ दिखाती है वो? उनको उस चीज़ से कोई प्यारी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनसे कोई काम नहीं होता, लेकिन वो उनका प्यार दिखाता है, उनका विश्वास दिखाता है, उनकी श्रद्धा प्रकट करता है कि देखो कितना प्यार है। और अच्छी बात भी है, सुबह उठोगे सोओगे जब भी देखोगे तुम्हें दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग तो कुछ करते ही नहीं, बजे और मत्था झुका के दर्शन करके ही खुश हो जाते हैं। अंतर दर्शन की जरूरत ही नहीं, इतने बार के दर्शन से ही संतुष्ट हो गए। तो वो उनका प्यार दिखाता, जब इतना प्यार उनका बाहर कहाँ से आ गया, अंदर में था वो बाहर आया, और जो बाहर है वो उसके अंदर भी है। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको अंतर दर्शन मिले या ना मिले, उसकी कोई हमें उस ये सोचना भी नहीं कि मुझे क्यों नहीं हुए। उसका क्रिया, उसके विचार, उसके ख्याल, उसका बोलचाल, उसका तौर तरीका, सब का सब ये प्रकट कर देता है कि उसका कितना विश्वास और कितनी श्रद्धा। महाराज जी तो इस बारे में बड़े कर रहे थे, किसी के घर में जब फोटो नहीं देखता बोले चलो यार खड़े हो, तो ये सत्संग ही नहीं जिसके घर में फोटो नहीं। अरे घर में तो फोटो एक प्रकार का चौकीदार बिठा दिया गुरु को, क्यों? बहुत बड़ी अच्छी बात है। राबा बसरी एक लड़की थी, बचपन में उसको डाकू उठा ले, लेकिन पवित्र ख्याल की थी, अच्छे माँ बाप से पैदा हुई लड़की थी, अच्छे संस्कार उसको मिले थे, डाकू उठा ले गए, डाकू उठा के ले जाके उसको वेश्याओं के घर बेच दिए। जवान हुई, अब वेश्याओं का तो जो काम होता है, उनका जो धंधा होता है, वो धंधे में लगाने की कोशिश कर दी। धंधा क्या, वे विचार करना, पैसे लेना, किसी को सौंप देना। लेकिन उनको कोई दया धर्म तो है नहीं, उनको तो पैसे से मतलब। परंतु राबा बसरी के पास में कोई भी जाता, अगले दोबारा होगा उसके घर में उसके जाता ही। तो जिसके वो कोठे पे रहती थी, वो बड़ी हैरान कि लड़की सुंदर है, लड़की जवान है, ग्राहक एक बार आता है दोबारा क्यों नहीं आता, कारण क्या है? एक दिन उन्होंने सोचा कि आज छिप के देखेंगे कि ग्राहक के साथ यह कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि उन लोगों का काम तो उनकी भक्ति, उनका भगवान तो उनकी पूजा तो पैसा है, वो चाहे उनके साथ कैसा भी बर्ताव करे पैसा चाहिए उनको, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। आया कोई ग्राहक, वो भी कोई अच्छा ही इंसान था, उसने पैसे दिए, उसने भेज दिया उसको, कमरे के अंदर गई और वो छिपके सुनने देखने लगी। तो उससे कहने लगी, आइए महापुरुष, बैठिए बैठिए। वो हैरान कि वैश्या के घर में ऐसा बर्ताव, उनका तो बोलचाल का तरीका ही गलत होता है। बोली, आओ महापुरुषों बैठो। वो कहने लगे, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना है मुझे। बोले, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आप ऐसा करो मैं थोड़ी पूजा कर लेता हूँ, आपका भी कोई इष्ट हो तो आप भी करो। अच्छे विचारों का था, मन में चोट लगी, ओ वैश्य के कोठे पे और ये पूजा की बात करती है, भक्ति की बात करती है, फोटो लगा रखा है, हैरान हो गया देख के। और उससे कहती है, तेरा भी कोई इष्ट है तो तुम भी उसकी पूजा कर ले थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद तू काम आया वो काम कर ले। बस उसको कैसी कम बात करनी थी, उसने फोटो वो थोड़ी अपनी मन की जो भावना थी प्रकट करके फोटो के सामने जो भी उसके विचार थे, और उसने खड़ी हुई और खड़ी होकर फोटो को उल्टा कर, फोटो जो सामने था उसको मोड़ के दीवार की तरफ कर मुँह उसका, और कहने लगे, आ जाओ अब जो काम करना था।
बहुत शुद्ध आत्मा देखते हो, पवित्र देखते हो आप, किस गंदखाने में आप आके फंसते हो। हमारा काम ये जिंदगी बर्बादी का काम है जहाँ तुम आए। आदमी ने हाथ जोड़े उसने पैर पर, क्यों उसके भी जो शुभ जो विचार संस्कार थे वो जागृत हो, और पैर पकड़ के बस वापस चल दिया, कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने भी देख के उन्होंने सोचा, उनके विचारों पर भी बड़ा असर है, क्यों हम इतने दुष्ट इतने पापी हैं, एक इतनी नेक रूह को हमने किस गलत काम में डाल दिया। लेकिन उसकी ये पवित्रता थी कि उसके पास जो भी इंसान आता था इसी तरह से करती थी, वो इंसान ना तो कोई गलत काम करता था और वापस उससे माफ़ी मांग के जाता था। फोटो के कारण, दर्शन के कारण, ये उस फोटो का उसका दर्शन का महत्व होता है। अरे फोटो देखते हैं घरों में तुम, किन के नंगे फोटो अर्ध नग्न फोटो लगे होते हैं, क्या संस्कार देंगे तुम्हें वो, बोलो संतों के महापुरुषों के, उनके फोटो लगाइए घरों में, आने वाला भी देख के पूछेगा। कितने लोग आके कहते हैं कि बोले जी मैं फलानी जगह गया था तो आपका फोटो देखा, मुझे तो जब पता लगा, वो भी अपने सत्संगी है। फोटो जोड़ देता है, इंसान को जोड़ देता है, बुरे विचार वालों को भी सुधार देता है फोटो। अगर वास्तविक के साथ में जुड़ जाए तो आदमी वो नहीं सुधरेगा क्या? ये फोटो रखने का महत्व होता है। तुम भी तो अपने पति के फोटो अपने उसमें मंगलसूत्र में वो जोड़ के रखती हो कि नहीं लगाते हो? तुम्हारा प्यारा होता है बटवे में रखते हो कि नहीं रखते? रखते हो कि नहीं रखते? मैं तो रखता हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ये देखो मैं कभी अलग नहीं होने देता, बटुआ में कभी नोट डालूंगा, इसमें नोट रहेंगे जरूर, लेकिन कभी किसी को नोट देता दिखाई दिया मैं इसमें से नहीं। सुबह उठते ही रोजाना मेरी जेब में डालता हूँ, रात में मेरे पास रहता है। उसे जुदा कब होगे? जुदा होते ही नहीं। जुदा इंसान दिल से होता है, और जिसका दिल से जुड़ गया वो तो उसको सोते जागते उठते सपने में नींद में हर हाल में पीड़ा में दर्द में तो सभी याद करते हैं, सब करते हैं कि नहीं? तो इसलिए सुख में श्रवण करने वाले हम, दुख में श्रवण करने वाले नहीं हैं।